जो ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया और तू इसके साथ में दोस्ती कर लिया। जानता है दोस्ती का रिश्ता इस संसार के सुनहरे पन्ने में लिखी गई है। दोस्ती का रिश्ता इस संसार में सभी रिश्ताओं से ऊंचा है। पुत्र आज दोस्ती लगा करके तलवार में आया है। तुम दोनों मित्र मिलकर के और बैठ जाओ अपने पिता की गोद में। ठीक है मित्र जी, हम मित्र जी, चलिए मित्र जी, हम दोनों मित्र पिता श्री की गोद में बैठे हैं। अरे मित्र जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? पिता श्री की गोद में बैठने की बात कर रहे हैं? हाँ, पिता श्री की गोद में। नहीं नहीं मित्र जी, मैं नहीं बैठूंगा। मित्र जी, आपके पिताजी के शरीर में रसाई पोशाक की कमी लगी हुई है और मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगी हुई है। मित्र जी, अगर मैं पिताजी के गोद में बैठूंगा तो न जाने पिताजी को रसाई पोशाक गंदी हो जाएगी। मित्र जी, आप जाइए, पिताजी के गोद में बैठ जाइए, मैं इसी के पीछे बैठ जाता हूँ। मित्र जी, वाक्य में तुम्हारा मित्र बहुत नेक विचार का है, लेकिन जो भावना तुम्हारे मन में है वो भावना मेरे मन में नहीं है। तू अपने मन में सोच रहा है, तुम मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक और पीताम्बरी बनने पड़ जाएगा। नहीं पुत्र, तू मेरे बच्चे का मित्र है, इसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान है, तो फिर मेरे गोद में बैठने में संकोच कैसा? तू अपने पिता के गोद में बैठा है या नहीं, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अपना पिता ना सही ही, अपने मित्र का पिता समझ करके बैठ जा मेरे गोद में, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। अरे रे रे लगई हार पूरा
हे भगवान, दुनिया सुधर गया लेकिन मेरी महारानी जहीं ही तहीं रह गई। ये बच्चे है कौन? मैं आपको बोल के गई थी अपने पुत्र की सिवा दूसरे बच्चे को गोद में बिठाने के लिए। हे विधाता बेटा उत्तम, समझाओ जरा अपने माँ को ये लड़का कौन है। माँ को क्या समझाऊं पिताश्री, माँ तो अपने धूप में रहते हैं। अरे बेटा उत्तम, ओ लो लो मेरे लाल, अरे बेटा उत्तम ये कौन है? ये कौन है? हाँ माँ, ये मेरे मेरे मित्र जी हैं। माँ मित्र जी? हाँ माँ। मित्र कहाँ लगाए? कहाँ लगाए? हाँ माँ, जब जगह जगह शिकार खेलने के लिए माँ, हाँ जंगल में शिकार खेल रहे थे, अचानक एक खूंखार शेर मेरे पर ठुंठ पड़ा। माँ क्या? हाँ माँ, उसके बाद मैं जब बाण का शिकार किया मेरे पर ठुंठ पड़ा हुआ पूरा शेर खाने के लिए। माँ मैं बदले बच्चा बच्चा तू यही भैया ने आके मेरा प्राण का रक्षा किया। माँ उसके बाद मैं भैया से दोस्ती लगा लिया। माँ क्या आपको पहले बता रहा था? बेटा उत्तम किसको समझा रहा है? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं भैंस दिख रही हूँ? अरे चंचली, तुमसे अच्छा तो भैंस ही है। क्या जो घास फूस खाती है फिर भी 5 लीटर दूध देती है? तूने चंचली राज माता होकर के तुम्हें इतना ज्ञान नहीं पूछना चाहिए तुम्हें कि ये लड़का कौन है जो आप इसे गोद में बिठा लिया। मैं तुझे बताता, ये लड़का तुम्हारे बच्चे का प्राण का रक्षा किया और ये एक मिनट के लिए उत्तम कुमार का मित्र बनकर के मेरे गोद में बैठ गया तो तुझे क्या हो गया? समी जी आपको पहले बताना चाहिए ना। बताइए, तुम पूछा नहीं और मैं पहले बता देता। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल महारानी, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, इस बच्चे को खिलाओ पिलाओ, एक माँ का प्यार दो ताकि ये इस बात को भूल जाए कि ये लड़का मेरे गोद में बैठा था तो तू उसे उठा करके नीचे चेक। कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं इस बच्चे को इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि भूल जाएंगे कि गोद से उठा के नीचे फेंक दे। ठीक है महाराज, ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के रखी हूँ। बात सही है, ठंडी हो जाएगी, जाइए आप पी लीजिए। बेटे उत्तम अपने मित्र का काया याद रखना। ठीक है स्वामी जी, गुड मॉर्निंग। अरे बेटा खुश रहो, खुश खुश। अरे बेटा उत्तम अभी आशीर्वाद दे रहा हूं, पहले पिटाई कर ले। अरे बेटा मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा उत्तम तुम खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मां हां मैं तुमसे मोटा हूं मामा, तुम्हारा पेट कहां निकलता है? रात में भूखे हो नहीं खाए हो सिर से। अरे बेटा हाँ माँ, ऐसा ऐसा हो ऐसा करूँ अपने मित्र के लिए, मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आओ। क्या मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता ला लाऊं? हाँ करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे। अच्छा अरे बेटा तुम्हारे मित्र को तुम्हारे पिताजी की गोद से नीचे उछल कर फेंक दी हूँ, फेंक दी हूँ। तुम्हारे मित्र को बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा माँ। ऐसा करो तुम अपने मित्र के लिए जाओ, नाश्ता लेके आओ। इतना इस राज दरबार में प्यार करूंगा, दुलार करूंगा, स्वागत करूंगा, ये भूल जाए पिताजी की गोद से उठा के नीचे फेंक दिया। हाँ भूल जाएंगे सब सब पिता जाता है। ठीक है माँ, मैं मित्र जी के लिए गरम गरम नाश्ता लाता हूँ। बाय 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 बा
पहले मारती है उसके बाद समझाती है। क्या बात, पहले मैं नाश्ता लाता हूं उसके बाद बतलाऊंगा। ठीक है जाइए, लेकिन कुर्सी उसे लगा कर जाइए, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। कुर्सी लगा हुआ है, आप आइए जाइए। अरे मैं चल चला जाना, क्या क्या बात कर रहा हूं। अरे ज्यादा कुत्ता कमीना, तुमको सोचना चाहिए महाराज के शरीर में कितने रास्ता को साफ पहने हुए हैं, उनके गोद में